हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी की ही मूवी फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज की, जिसकी स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिससे कि आपको ये मूवी पूरी तरह समझ में आ जाए और जब नेक्स्ट पार्ट आए तो आपको पहले की मूवीज को समझने में प्रॉब्लम ना आए। हम ये वीडियो दो पार्ट में समझेंगे। पहले पार्ट में हम फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम को समझेंगे और दूसरे पार्ट में क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवॉल्ड को। तो फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम मूवी हैरी पॉटर टाइमलाइन के 60 इयर्स पहले की कहानी है, यानी ये 1926 की कहानी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हैरी पॉटर यूरोप की कहानी है, फैंटास्टिक बीस्ट अमेरिका की कहानी है। इसमें बेसिकली तीन लोगों के आसपास सारी स्टोरी घूमती है, न्यूट स्कैमेंडर, पर्सीवल ग्रेस और क्रेडेंस बेअबोन। तो मूवी शुरू होती है न्यूट स्कैमेंडर से, जो अपनी बुक लिखने के लिए एक साल से दुनिया भर में घूम रहा है और अपने मैजिकल बीस्ट को अपने असली घर पहुंचाने और नए बीस्ट की तलाश में भी वो अपने सूटकेस के साथ न्यूयॉर्क पहुंचता है। उसके सूटकेस में दरअसल बहुत से फैंटास्टिक बीस्ट होते हैं। वो ट्रकल, जिसका नाम पिकेट होता है, हमेशा उसके साथ रहता है सूटकेस के बाहर। पर इसी दौरान सूटकेस से एक निफलर निकलकर बैंक में घुस जाता है। वहां ही मगल जैकब कोवल्स्की भी होता है, सेम दिखने वाले सूटकेस के साथ, जो बेकरी खोलने के लिए लोन अप्लाई करने के लिए उसी बैंक में गया होता है। पर निफलर का पीछा करते करते न्यूट का ध्यान ही नहीं रहता और निफलर की हरकतों के चलते न्यूट और कोवल्स्की में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उनका सूटकेस बदल जाता है। जैकब न्यूट का सूटकेस घर ले जाता है और न्यूट के पास डोनट्स भरा जैकब का सूटकेस रह जाता है। वहां ही टीना, जो कि एक ऑरर होती है, न्यूट को मगल के सामने जादू करता देख लेती है और उसे पकड़कर मैक्यूसा यानी कि अमेरिकन मैजिकल मिनिस्ट्री के पास ले जाती है, जिसकी प्रेसिडेंट मैडम पिक्यूरी होती है और पर्सीवल ग्रेस और एबरनाथी ऑरर होते हैं। पर वहां न्यूट को पता चलता है कि टीना अब ऑरर नहीं है बल्कि वॉन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करती है। वहां जैकब अपने घर में सूटकेस खोल देता है और उससे कई बीस्ट निकलकर भाग जाते हैं और एक मर्ट लैब जैकब को काट लेता है। न्यूट और टीना जैकब के घर पहुंचते हैं और टीना न्यूट और जैकब को वहां से अपने घर ले जाती है, जहां टीना की बहन क्वीनी होती है, जो कि एक जादूगरनी के साथ साथ एक लेजिमेंस यानी कि मन की बात पढ़ने वाली होती है। वो उन सब लोगों के लिए खाना बनाती है। उसे भी जैकब की तरह बेकिंग पसंद होती है। न्यूट को पता चलता है कि वो सब ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां जादूगरों को बुरा माना जाता है और कोई भी जादूगर नो मैज लोगों से यानी कि मगल टाइप लोगों से बात नहीं करता, ना ही उनसे शादी करना अलाउड होता है, उनसे कोई भी कांटेक्ट रखना अलाउड नहीं होता। ऐसे में जैकब को देखकर क्वीनी खुश हो जाती है और उसे पसंद करने लगती है। वो सब टीना के घर ही रात के लिए रुक जाते हैं। दूसरी कहानी जो साथ में चलती है वो है पर्सीवल ग्रेव्स नाम के ऑरर की, जो न्यूयॉर्क में ही अचानक हुई तबाही को देखने जाता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। वो सुनता है कि कई लोग कह रहे हैं कि कुछ काले भूत सा आया था जिसने कि सब कुछ तबाह कर दिया था। तीसरी कहानी है बेअबोन फैमिली की, जहां मैरी लोउ बेअबोन कई बच्चों को गोद लेकर पाल रही होती है, जिसमें दूसरे नंबर का सबसे बड़ा लड़का क्रेडेंस होता है। मैरी बहुत एब्यूसिव और सख्त औरत होती है और वो एक न्यू सेलम प्रिजर्वेशन सोसाइटी की हेड भी होती है और अपने बच्चों को विजर्ड्स या विचेस को खतरनाक है ये बात सिखाती है। वो बच्चों से लीफलेट बांटने का काम करवाती थी। एक बार वो अपने बच्चों के साथ सीनेट जाती है और ये दावा करती है कि शहर में जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे जादूगरों का हाथ है, पर ऑफिस का सेनेटर उन सबको फ्रीक कह के बाहर निकाल देता है। दूसरी और तीसरी कहानी वहाँ जुड़ जाती है जब क्रेडेंस पर्सीवल से मिलता है। क्रेडेंस, जो किसी से बात नहीं करता था, हमेशा शांत रहता था, अजीब होता है, वो पर्सीवल से बात करता है। ग्रेव्स उसे कंसोल करता है कि वो एक खास बच्चा है, इसलिए वो उसकी मदद मांग रहा है। पर्सीवल उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि वो बच्चा कौन है जिसकी उम्र 10 साल से ज्यादा नहीं है और वो मैरी लोउ के करीब है। उसमें बहुत पावर है, जिस पर क्रेडेंस कह देता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। ग्रेव्स उसे ये भी कहता है कि क्रेडेंस वो कड़ी है जो ग्रेव्स को उस बच्चे से जोड़ेगा और बदले में ग्रेव्स उससे वादा करता है कि वो क्रेडेंस को विजिटिंग वर्ल्ड का हिस्सा बना देगा। उधर स्कैमेंडर रात में सोने की जगह अपने सूटकेस के अंदर जाता है और साथ ही जैकब को भी ले जाता है। वहाँ वो मर्ट लैब के काटे हुए जगह पर जड़ी बूटी लगा देता है। फिर वो स्वूपिंग इविल नाम के जीव से कुछ रस निकालता है। ये पोशन याददाश्त मिटाने का काम करता था और फिर जैकब देखता है कि वहाँ पूरी एक दुनिया ही बसी हुई है, जहाँ सारे जादुई अजीब से जानवर है जिन्हें उसने पहले कभी भी नहीं देखा होता है। फिर न्यूट बताता है कि वो फ्रैंक नाम के थंडरबर्ड को घर पहुंचाने के लिए अमेरिका आया हुआ है, जिसे वो इजिप्ट से जंजीरों से छुड़ा कर लाया था।
थंडरबर्ड का नेटिव प्लेस एरिजोना का जंगल है। वहाँ ग्रेफॉन्स का लास्ट सर्वाइविंग जोड़ा भी होता है जिसे न्यूट ने बचाया होता है। बेसिकली न्यूट सारे ऐसे जानवरों को बचाता था, उन्हें पालता था और सेफ रखता था जो खत्म होने के कागार पर होते थे। वहाँ ये भी बताया जाता है कि न्यूट के पास एक ऑब्सक्यूरियस भी है सूटकेस में ही। फिर वो दोनों भागते हुए जीवों के पीछे जाने की बात करते हैं। पहले तो जैकब मना कर देता है, पर जब न्यूट उससे कहता है कि सुबह उठते ही टीना उसकी याददाश्त मिटा देगी, जैकब तैयार हो जाता है कि वो न्यूट की मदद करेगा और उसे सेंट्रल पार्क ले जाएगा, क्योंकि वो इन सब चीजों को भूलना नहीं चाहता था जो अमेजिंग दुनिया उसने अभी अभी देखी थी। रस्ते में जैकब बताता है कि वो बेकर बनना चाहता है और कैनिंग फैक्ट्री के काम को छोड़ना चाहता है, पर बैंक उसे लोन नहीं दे रही क्योंकि उसके पास गारंटियर नहीं है। वो लोग ज्वेलरी शॉप से गहने चुरा रहे निफलर को पकड़ लेते हैं और सेंट्रल पार्क पहुंच जाते हैं। वहां से वो एरम्पेंट को पकड़ लेते हैं, पर टीना वहां पहुंच जाती है और जैसे ही न्यूट और जैकब वापस सूटकेस में जाते हैं, वो सूटकेस बंद कर देती है। पर वो सूटकेस को लेकर वापस जा ही रही होती है कि वो देखती है कि रोड की लाइट्स बंद हो रही हैं। वहाँ ही सीनेटर शॉ को नेक्स्ट प्रेसिडेंट के वे में प्रेजेंट किया जा रहा होता है, जिसके पास मैरी लॉ गई थी। वहाँ भी लाइट चली जाती है और आवाजें आती है और कोई अदृश्य शक्ति सीनेटर को मार देती है। टीना सूटकेस लेकर मैक्यूसा के पास चली जाती है जहाँ ऑलरेडी केस चल रहा होता है। वो बताती है कि एक जादूगर न्यूयॉर्क आया है उस सूटकेस के साथ जिसमें जादुई जीव भरे हुए हैं, और वो जीव उसमें से निकलकर भाग भी गए हैं, जिस पर पिक्यूरी टीना से कहती है कि उसने 24 घंटे में ये खबर क्यों नहीं दी जब से वो व्यक्ति न्यूयॉर्क आया है, और अब तो एक इंसान भी मर गया है। टीना सूटकेस खोल देती है और न्यूट उसमें से बाहर आता है, साथ ही जैकब भी। मिनिस्टर पहचान लेते हैं कि न्यूट वॉर हीरो थेसियस स्कैमेंडर का भाई है। वो लोग न्यूट से पूछते हैं कि उसके किस जीव ने शॉ को मारा, पर न्यूट लाश को देखते ही कह देता है कि सभी जानते हैं कि इसे किसी जानवर ने नहीं बल्कि किसी ऑब्सक्यूरियस ने मारा है। पर मैडम प्रेसिडेंट इस बात से इनकार कर देती है और पर्सिवल से सूटकेस जब्त करने को कहती हैं, और न्यूट टीना और जैकब को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। न्यूट कहता रह जाता है कि सूटकेस में खतरे वाली कोई भी चीज नहीं है और उसके जीव को नुकसान न पहुंचाया जाए। टीना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो न्यूट से माफी मांगती है। जब जैकब पूछता है कि ऑब्सक्यूरियस या ऑब्सक्यूरियल क्या होता है, टीना बताती है कि कई सेंचुरीज से अमेरिका में कोई भी ऑब्सक्यूरियल नहीं है, पर न्यूट बताता है कि 3 महीने पहले ही उसे सूडान में एक ऑब्सक्यूरियल मिला था। पहले मगर से जान का खतरा होने के कारण जादूगर छिपकर रहते थे, इसलिए जादू दबाने के कारण ऑब्सक्यूरियल ज्यादा होते जा रहे थे, और जो ऑब्सक्यूरियल में बदल जाते थे वो 10 साल की उम्र से ज्यादा जिंदा नहीं रहते थे। न्यूट के पास जो ऑब्सक्यूरियल थी वो 8 साल की थी जब वो मर गई थी। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि क्रेडेंस की छोटी बहन है जो 10 साल से कम की उम्र की ही है और हमेशा पोम गाती रहती है जो विचेस को सजा देने के बारे में होती है। चेस्टिटी उनको लीफलेट्स देती है कि इसे बांटना है और फेंकना नहीं है, और कुछ भी अजीब कहीं दिखे तो बताना है, पर क्रेडेंस की बहन बाहर जाते ही सारे लीफलेट्स को हवा में उड़ा देती है। पर्सिवल क्रेडेंस के पास पहुंचता है पूछने के लिए कि उसे वो बच्चा मिला कि नहीं। क्रेडेंस उसे मना कर देता है, पर ग्रेव्स उसके चोट लगे हुए हथेली को ठीक कर देता है जादू से जो मैरी लॉ ने दिया होता है, और उसको कहता है कि वो उसे वहां से ले जाएगा जैसे ही वो बच्चा मिल जाए। और वो क्रेडेंस को एक लॉकेट देता है जिसमें डेथली हॉलोस का निशान होता है। वो उसको समझाता है कि जैसे ही बच्चा मिल जाए इस लॉकेट को छूना, और पर्सिवल जहाँ भी होगा वो फटाफट उसके पास पहुँच जाएगा और उसे जादूगरों की दुनिया में ले जाएगा। न्यूट और टीना को पूछताछ के लिए पर्सिवल ले जाता है। वो न्यूट की हिस्ट्री देखता है कि उसे हॉगवर्ट से निकाल दिया गया था, पर एल्बस डंबलडोर ने न्यूट को बचाने की बहुत कोशिश की थी। पर्सिवल न्यूट से पूछता है कि क्या रीजन था कि डंबलडोर उसे पसंद करते थे और वो जानवरों को खुला क्यों छोड़ता फिर रहा है। पर्सिवल उस पर इल्जाम लगाता है कि न्यूट ने ये जानबूझकर किया ताकि जादूगर खुलकर सामने आ जाए और मगज और विजर्ड के बीच जंग छिड़ जाए। इस पर न्यूट कहता है कि लोगों की जान लेना ग्रेटर गुड के नाम से उसे ऐसा करने का कोई शौक नहीं है, वो कोई ग्रिंडलवाल्ड का साथी नहीं है। इस पर पर्सिवल न्यूट को वो ऑब्सक्यूरियल दिखा देता है जो न्यूट के सूटकेस में मिला था, और उससे इस बारे में सवाल पूछता है। न्यूट एक्सप्लेन करता है कि ये उस लड़की का ऑब्सक्यूरियस है जो सूडान में मिली थी, और वो इसकी रिसर्च के लिए से ले जा रहा था, और वो सूटकेस के बाहर नहीं रह सकती, पर उसने कुछ भी नहीं किया है क्योंकि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पर्सिवल कहता है फिर तो ये किसी भी काम की नहीं, जिस पर न्यूट कहता है कि ये एक पैरासाइट है, इससे कोई क्या फायदा उठाएगा। पर पर्सिवल न्यूट पर ऑब्सक्यूरियस से न्यूयॉर्क में तबाही करने, गद्दारी और सीक्रेसी लॉ तोड़ने के लिए मौत की सजा सुना देता है, और साथ ही टीना को उसका साथ देने के लिए
सेम सजा सुनाई जाती है। उन्हें एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ पानी से कुछ भरा होता है और एक चेयर रखी होती है। टीना की याददाश्त निकाली जाती है और उस पानी में डाल दी जाती है, जहाँ उसे अपने बचपन की यादें दिखती हैं, जिसमें उसकी माँ उसे पानी के अंदर बुलाती है। वो पानी दरअसल डेथ पोशन होता है, पर धीरे धीरे उसे वहाँ पर क्रेडेंस, उसका घर, उसकी माँ सब दिखने लगते हैं। वो क्रेडेंस को संभाल रही होती है, पर क्रेडेंस की माँ आ जाती है जो उसे विच कहकर बुला रही होती है, पर क्वीनी को सब सुनाई देता है और वो वहाँ पहुँच जाती है जैकब के साथ। पर्सिवल के रूम से सूटकेस लेती है, पिकेट न्यूट की हथकड़ी खोल देता है और न्यूट स्वूपिंग इविल और पिकेट की मदद से वहां से बच निकलता है। उसे ऑरस रोकने आते हैं, पर स्वूपिंग इविल की मदद से वो उनको हराते हुए वहां से भाग जाते हैं। न्यूट, टीना, जैकब और क्वीनी टकराते हैं। क्वीनी उन तीनों को सूटकेस में भेज देती है और सूटकेस लेकर मंत्रालय से बाहर निकल जाती है। टीना न्यूट को कहती है कि ग्रेव्स पीछे पड़ा हुआ है, कि तुम्हारे जीव ने ये सब किया है, जिस पर न्यूट कहता है कि बस डुगल नाम का डेमी गाइज है जो बाहर घूम रहा है, बाकी सब सूटकेस में ही है। प्रॉब्लम यह है कि डेमी गाइज इनविजिबल होता है। टीना कहती है कि नारलेक उसका खबरी हुआ करता था जब वो ऑर्डर थी और साथ में जादुई जीवों का बिजनेस करता था, इसलिए उसके पास जानवर की खबर हो सकती है। वो लोग नारलेक के पास पहुंचते हैं, जिसने अपनी जादूगरी की एक अलग सी ही क्लब जैसी जगह बनाई होती है। वहां न्यूट डेथ पोशन में दिखे सीन के बारे में पूछता है तो टीना बताती है कि मेरी लोउ ने सभी बच्चों को गोद ले रखा है और वो सभी बच्चों को बहुत मारती है और उसमें भी क्रेडेंस को सबसे ज्यादा, और उसी पर हमला करने से टीना की नौकरी गई थी। वहां नारलेक नाम का गोब्लिन आता है और सौदे में वो न्यूट से उसका बोट रकल मांगता है। न्यूट सोना ऑफर करता है पर गोब्लिन तैयार नहीं होता। न्यूट उसे अपना बोट रकल दे देता है। गोब्लिन बताता है कि फिफ्थ एवेन्यू में अदृश्य चीज उथल पुथल मचा रही है। न्यूट पर्सिवल के पास के बारे में पूछता है पर गोब्लिन कुछ डायरेक्ट जवाब नहीं देता, और तब तक खबर आ जाती है कि मैक्यूसा वाले आ रहे हैं। एक्चुअली गोब्लिन ने ही मैक्यूसा को इन्फॉर्म कर दिया था कि न्यूट स्कैमेंडर वहां आया हुआ है। वो लोग वहां से बच निकलते हैं और न्यूट अपने बोट रकल को भी ले लेता है। वो लोग डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं, वहां उन्हें डेमीगाइज दिखता है। न्यूट बताता है कि डेमीगाइज फ्यूचर देख सकते हैं, इसलिए उसने ये जगह चुनी। न्यूट को लगा था कि कोई और जानवर बाहर नहीं है, पर दरअसल डेमीगाइज तो एक ऑकेमी की देखभाल कर रहा था जो सूटकेस से भागा था। सब मिलकर ऑकेमी और डेमीगाइज को पकड़ लेते हैं और उन्हें वापस सूटकेस में डाल देते हैं। टीना भी सूटकेस के अंदर जाकर सारे जीवों को देखती है। न्यूट के पास एक तस्वीर रखी होती है एक लड़की की, जिसे क्वीनी देख लेती है और उसके बारे में पूछती है। न्यूट बात टालता है पर क्वीनी उसके मन की बात पढ़कर समझ जाती है कि वो लीटा लेसस्ट्रेंज की तस्वीर होती है। न्यूट बताता है कि वो लोग स्कूल में साथ में थे और अच्छे दोस्त थे, और फिर जैकब के पूछने पर क्वीनी कहती है कि वो सब स्कूल की बातें कर रहे हैं। उसके अनुसार एल्बर मोर्नी सबसे अच्छा स्कूल होता है जहां उसने और टीना ने पढ़ाई की होती है, बल्कि न्यूट हॉगवर्ट्स का नाम लेता है क्योंकि उसने हॉगवर्ट्स से पढ़ाई की होती है। पर तभी थंडरबर्ड आकर उन्हें आगाह करता है कि खतरा आ रहा है। क्रेडेंस अपने घर पर होता है और बहन के बेड के नीचे से जादुई छड़ी निकालता है, पर उसकी बहन वहां आ जाती है और कहती है कि वो तो बस खिलौना है। क्रेडेंस ये नहीं बताता कि वो छड़ी उसकी बहन की है, इसलिए छड़ी को तोड़ दिया जाता है और क्रेडेंस को उसकी माँ बेल्ट से मारने वाली होती है और बताती है कि वो उसकी माँ नहीं बल्कि उसकी माँ तो शातिर विकेट विच थी। मोडेस्टी यानी कि क्रेडेंस की बहन कहती है कि छड़ी उसकी है। मैरी के हाथ से कोई बेल्ट खींचता है और फेंक देता है, और जब वो उसे उठाने जाती है तब बेल्ट उड़कर दूर चली जाती है। सारा शक मोडेस्टी पर जाता है और मैरी जैसे ही पलटती है ऑब्सक्यूरियल आ चुका होता है और मैरी लो को नीचे फेंक देता है और वो मर जाती है। ग्रेव्स मैरी लो के घर पहुंचता है जहां क्रेडेंस रो रहा होता है। ग्रेव्स उससे पूछता है कि ऑब्सक्यूरियल कहां गई। क्रेडेंस रो रोकर कहता है कि मेरी मदद करिए, पर ग्रेव्स उसे थप्पड़ मार देता है क्योंकि वो बता नहीं रहा होता है कि उसकी छोटी बहन कहां गई। ग्रेव्स क्रेडेंस को अंतर्ध्यान करके वहां ले जाता है जहां मोडेस्टी को गोद लिया गया था, जहां 12 बच्चों की फैमिली थी। ग्रेव्स क्रेडेंस को बताता है कि वो उससे मिलते ही समझ गया था कि क्रेडेंस एक स्क्विब यानी नकारा है, इसलिए वो जादुई खानदान से तो है पर जादू नहीं कर सकता, और वो नकारा को जादू करना नहीं सिखा सकता क्योंकि उनमें जादुई शक्तियां नहीं होती। अब क्योंकि मेरी लो मर गई, क्रेडेंस अब किसी काम का नहीं। ग्रेव्स को एक कमरे में मोडेस्टी रोती हुई मिलती है। ग्रेव्स उससे कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, पर तब तक ऑब्सक्यूरियल आ जाता है जो कि मोडेस्टी नहीं बल्कि खुद क्रेडेंस होता है। ग्रेव्स क्रेडेंस से माफी मांगता है, पर क्रेडेंस कहता है कि ग्रेव्स ने उसे धोखा दिया है। ग्रेव्स कहता है कि क्रेडेंस इसे कंट्रोल कर सकता है, पर क्रेडेंस कहता है कि वो कंट्रोल करना ही नहीं चाहता और वो वहां से उड़कर चला जाता है।
न्यूट उसे उड़ता देखता है और बताता है कि उसने आज तक इससे ज्यादा शक्तिशाली ऑब्स्क्यूरियल कभी नहीं देखा। वो टीना को अपना सूटकेस देता है कि अगर वो वापस ना आए तो वो उसके जीवों का ख्याल रखे, और वो ऑब्स्क्यूरियल के पास जाता है क्योंकि ऑब्स्क्यूरियल इतने इम्बेलेंस होते हैं कि वो मर जाते हैं। टीना सूटकेस क्वीनी को दे देती है, क्वीनी उसे जैकब को दे देती है और सब न्यूट के पीछे जाते हैं। उधर ग्रेव्स ऑब्स्क्यूरियल को सब तबाह करते हुए देखता है। वो क्रेडेंस से कहता है कि वो एक चमत्कार है और वो उसके साथ चले और दोनों मिलकर दुनिया जीत ले। टीना ग्रेव्स को रोकने जाती है पर ग्रेव्स उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ग्रेव्स वहाँ से चला जाता है और मैडम पिक्यूरी सारे ऑरर को आदेश देती है कि वो जल्दी से ये सब रोके वरना उन लोगों की हकीकत सामने आ जाएगी। न्यूट क्रेडेंस को रोकने जाता है कि वो उसकी हेल्प करेगा पर क्रेडेंस नहीं रुकता। सब कुछ बर्बाद करता हुआ वो आगे बढ़ता ही रहता है, उसे कोई पुलिस नहीं रोक पाती। क्रेडेंस सिटी हॉल पहुंच जाता है और उसके पीछे न्यूट भी। सारे ऑरर्स मिलकर सिटी हॉल के आसपास घेराबंदी कर देते हैं। न्यूट शांति पाकर क्रेडेंस से बात करता है और उस लड़की के बारे में भी बताता है जो ऑब्स्क्यूरियल थी और कैद थी। क्रेडेंस अपने इंसानी रूप में आ जाता है पर तब तक ग्रेव्स वहां आकर न्यूट पर हमला कर देता है। पूरा मैक्यूसा बिल्डिंग के बाहर आ जाता है, शहर के कई लोग भी। अंदर न्यूट और ग्रेव्स में ड्यूलिंग होती है जिसमें न्यूट हार रहा होता है, जिस पर क्रेडेंस फिर से ऑब्स्क्यूरियल में बदल जाता है और पूरे सबवे को बर्बाद कर देता है। उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, पर तब तक वहाँ टीना आ जाती है और उसे रोक लेती है। क्रेडेंस उसकी आवाज सुनते ही शांत हो जाता है पर उसी समय ऑरर्स वहाँ आ जाते हैं जिससे क्रेडेंस डर जाता है और फिर से अनस्टेबल हो जाता है। ऑरर उस पर हमला कर देते हैं और हर जगह काले धुएं के तिनके उड़ने लगते हैं। ग्रेव्स गुस्सा हो जाता है कि ये उन सब ने क्या किया, जिस पर मैडम पिक्यूरी कहती है कि ये उन्हीं का आदेश था कि ऑब्स्क्यूरियल को मार डाला जाए क्योंकि उसने एक नो मैच को मार दिया था और इस कारण विजर्ड्स की हकीकत सामने आ जाती। इस पर ग्रेव्स नाराज हो जाता है कि इसी कानून के चलते सभी जादूगरों को बिल में छिप कर रहना पड़ता है, डर कर रहते हैं कि बेनकाब ना हो जाए। तो आखिर ये कानून किसकी हिफाजत कर रहा है? वो कहता है कि मैं अब ऑर्डर्स नहीं मानूंगा। पिक्यूरी ऑर्डर्स को ऑर्डर देती है कि ग्रेव्स की छड़ी ले ली जाए और गिरफ्तार कर लिया जाए, पर ग्रेव्स अकेला ही सारे ऑर्डर से भिड़ जाता है। वो सबको अकेला ही हरा रहा होता है कि न्यूट अपने स्वूपिंग इविल का यूज करके ग्रेव्स के हाथ बांध देता है और टीना उसकी छड़ी ले लेती है। न्यूट ग्रेव्स पर जादू करके उसका असली रूप सामने लाता है और सबको पता चलता है कि ग्रेव्स और कोई नहीं बल्कि खुद गैलेट ग्रिंडलवॉल्ड को कैद कर लिया जाता है। जाते जाते ग्रिंडलवॉल्ड न्यूट से कहता है अ लिटिल, यानी कि क्या हम सब ऐसे ही मर जाएंगे गुमनामी में। और फिर जैकब न्यूट को उसका बैग दे देता है। मैडम प्रेसिडेंट न्यूट से माफी मांगती है कि उसके जानवरों पर शक किया गया और अब पूरे शहर को ऑब्लिविएट करना होगा, यानी कि याददाश्त मिटानी होगी जो कि इम्पॉसिबल है। इस दौरान न्यूट की नजर जाती है कि ऑब्स्क्यूरियल दूर जा रहा है, यानी कि क्रेडेंस मरा नहीं है बल्कि वहां से चला गया था। न्यूट बताता है कि पूरे शहर को ऑब्लिविएट करने का एक तरीका है। वो अपने सूटकेस से थंडरबर्ड को बाहर निकालता है, उसे स्वूपिंग इविल का पोषण देकर आजाद कर देता है। थंडरबर्ड उसे लेकर ऊपर उड़ता है और जैसे कि उसमें पावर होती है वो बारिश शुरू कर देता है। स्वूपिंग इविल का पोषण याददाश्त मिटाता है और जब वो पोषण मिला पानी सबके ऊपर गिरता है, शहर के सभी नोमैज लोगों की याददाश्त चली जाती है जो भी उन्होंने विजर्ड रिलेटेड देखा था। ऑरर्स और विजर्ड सारे शहर की तोड़फोड़ ठीक कर देते हैं। पिक्यूरी न्यूट को थैंक्स कहती है और सूटकेस को शहर से बाहर ले जाने को कहती है और जैकब जो कि अब भी बेसमेंट में ही होता है उसकी याददाश्त मिटाने को कहती है। क्वीनी जो जैकब को पसंद करने लगी थी ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर जैकब बारिश में खुद ही चला जाता है और सब वहां से गायब हो जाता है। अगले दिन जैकब अपने पुराने नौकरी पर काम करने जा रहा होता है कि न्यूट उससे टकराता है। जैकब जब वापस अपना सूटकेस उठाता है तो वो उसे बहुत ही हैवी लगता है और जब जैकब उसे खोलता है उसके अंदर से ऑकेमी के एग्स निकलते हैं जो कि रियल सिल्वर के होते हैं। दरअसल न्यूट ने जैकब के सूटकेस में ये अंडे इसलिए डाले थे ताकि जैकब बैंक में गारंटी के तौर पर इन सिल्वर एग्स को दे सके ताकि उसे अपनी बेकरी के लिए लोन मिल जाए। उधर टीना न्यूट को छोड़ने जाती है जहां वो उसे धन्यवाद देती है क्योंकि वो वापस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में आ गई थी। न्यूट कहता है कि अब वो वापस जाकर अपनी बुक फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम लिखेगा। न्यूट वादा करता है कि वो बुक की कॉपी खुद लेकर आएगा और फिर चला जाता है। जैकब अपनी बेकरी की शॉप खोल लेता है जहां उसके सारे ब्रेड और पेस्ट्री फैंटास्टिक बीस्ट के शेप में होते हैं, मतलब जैकब की याददाश्त मिटी ही नहीं होती। तो दोस्तों ये थी कहानी फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम की।
आपको ये मूवी कैसे लगी थी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। सच तो ये है कि जब मैंने ये मूवी फर्स्ट टाइम देखी थी तो मुझे बहुत स्लो लगी थी और ज्यादा कुछ समझ में भी नहीं आया था, और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन हैरी पॉटर मूवीज जैसी थी तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी हुई थी। पर जब मैंने ये मूवी दोबारा देखी तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी और उसमें मैजिक भी काफी ज्यादा दिखाया गया है। आपका क्या सोचना है इस बारे में नीचे कमेंट